आप सबको जय मसीह की। संसार में बहुत सारी बातें होने के कारण लोगों के अंदर डर आ रहा है, प्रश्न उठ रहे हैं, यहां तक कि लोग फोन के द्वारा हमसे सवालों को भी पूछ रहे हैं कि क्या दुनिया का अंत होने जा रहा है या यीशु मसीह बादलों पर आने जा रहे हैं, आखिर क्या होने जा रहा है। प्रियो, संडे को मैं आपको बता रहा था मेरे प्रियो की परमेश्वर के वचन के अनुसार पृथ्वी का अंत भी होने नहीं जा रहा है। और मैं संडे को ये भी आपको बता रहा था मेरे प्रियो की परमेश्वर के वचन के अनुसार इससे पहले कि पृथ्वी का अंत हो उससे 7 साल पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। ये रैप्चर का मोमेंट है, पर ये जो रैप्चर का मोमेंट होना है, जो कलीसिया का उठाया जाना है, क्या वो अभी है? अगेन परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो ऐसा लिखा हुआ है, उसके वचन के अनुसार हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना है और वो कभी भी हो सकता है। पर क्या वो कभी भी अभी है? हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। इसलिए जागते रहो जी, क्योंकि तुम नहीं जानते। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते, नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु जी किस दिन आएगा। किस दिन आएगा, क्या लिखा हुआ? इसलिए तुम जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो जी कि यदि घर का स्वामी जानता होता जी कि चोर किस पहर आएगा जी तो जागता रहता, तो जागता रहता और अपने घर में, अपने घर में सेंध लगने ना देता जी। इसलिए तुम भी तैयार रहो जी, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ? जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ना हमने आपको ये नहीं बताया कि ये कहाँ लिखा हुआ है, और हम आपको ये बताएंगे भी नहीं कि ये कहाँ लिखा हुआ है। अगर आपको मालूम है तो प्रभु आपको आशीष दे, और अगर आपको नहीं मालूम है तो प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप जाए और आप ढूंढे कि ये कहां पे लिखा हुआ है। पर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कलीसिया को उठाया जाना उस समय होगा जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होंगे। When we least expect him, हम उसके बारे में सोचते भी नहीं होंगे, उस समय प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे हमको अपने साथ में लेकर के जाने के लिए। आपसे पूछना चाहता मेरे प्रियो, क्या लगता है आपको, क्या इस समय संसार इसके बारे में सोच नहीं रहा? क्या इस समय लोग तैयारी में नहीं है? ना ना ना, लोग सोच रहे हैं, लोग डरे हुए, लोग घबराए हुए, अरे कहीं पृथ्वी का तो नहीं होने जा रहा है, कहीं प्रभु तो नहीं आ रहे हमको ले जाने के लिए। सो ये वो मोमेंट है जिसमें लोग तैयारी में है, लोग सोच रहे, लोग इस बारे में मनन कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि ये रैप्चर उस समय होगा जिस समय आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे। So, मेरे प्रिय, हमारे अनुसार जो हम सोचते हैं उसके अनुसार कलीसिया का उठाए जाने का पल अभी नहीं है। आप अपनी सोच के लिए स्वतंत्र हैं और परमेश्वर अपनी इच्छा के लिए स्वतंत्र हैं, पर हमारे अनुसार हमें नहीं लगता कि ये वो मोमेंट है कि कलीसिया उठाई जाएगी, क्योंकि कलीसिया उस समय उठाई जाएगी जिस समय आप उसको उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। वचन के अनुसार कलीसिया के उठाए जाने का एक मौसम है और एक सीजन। अगर आप उसको पढ़ेंगे, अगर आप समझेंगे, तो आप जानेंगे कि कलीसिया किस मौसम में, किस सीजन में उठाई जाएगी। पर वो मौसम अभी नहीं है, पर अभी हम एक डिफरेंट मौसम में चले, अभी हम एक डिफरेंट सीजन में चले। और ये कौन सा मौसम है? ये मौसम तैयारी का सीजन, तैयारी का। ये मौसम तैयारी का सीजन है, ये वो समय है कि आप तैयार हो जाएं और हम तैयार कर लें अपने लोगों को, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें कि लोग तैयार होने पाए, ताकि जब प्रभु आए तो हमको तैयार पाए और हम उसके साथ में चले जाए और हमारा कोई भी जन पीछे छूटने नहीं पाए। सो ये मौसम तैयारी का मौसम है। परमेश्वर के वचन के अनुसार दिस इज द बिगिनिंग ऑफ बर्थ पेंस, तो शुरुआती पीड़ाओं का समय है, आरंभ है, और इस समय है कि आप तैयार हो जाए। बी रेडी माय डियर फ्रेंड्स, जीसस इज कमिंग सून। हम आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमेशा अपनी अगुवाई को
हमारे जीवनों में रखते आए हैं और आपके वचन ने सदा हमारी अगुवाई करी, हमारी सदा सहायता करी है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने अपने प्रियों से कभी कुछ नहीं छुपाया, हमेशा सब बातें खोल कर रखी हैं प्रभु जी। तो पिता आप मेरे लोगों की मदद करें तैयारी में जाने के लिए। इससे पहले पिता परमेश्वर आप यीशु मसीह को बादलों पर भेजें, हम चाहते हैं हमारे लोग तैयार पाए जाएं, तैयार पाए जाएं प्रभु, मदद करें। इस समय को ऐसे ही यूं ही जाने ना दें प्रभु जी। अपने लोगों के लिए, अपने प्रियों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए मेरे लोगों की सहायता करें, ताकि हम अपने में अपने लोगों में से किसी को भी यहाँ छूटते देखने ना पाए प्रभु। सहायता करें पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस तैयारी के समय के लिए, और हम लोग चाहते हैं पिता हम सबकी मदद करें। इस प्रार्थना को हम यीशु जी के नाम से मांगते हैं, आमेन। आमेन, आमेन, आमेन। God bless you, my dear friends. Prabhu Aap Aashish De. Jai Masi Ki. Jai Masi Ki.